Hello, good morning, India. Friday, back-to-back classes, live from studio. आज ही subscribe करें wifistudy channel को. और अच्छे video और courses के लिए description में दिए गए link के द्वारा भी आप हमें academy पे follow कर सकते हैं. Hello, good morning, India. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग. स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी में. तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी, पहले तो मुझे ये बता दीजिए. ठीक है, तो फ्रेंड्स अपना जो हीट एंड टेम्परेचर टॉपिक था उसका एक छोटा सा पार्ट है गैसेज लॉ, यानी गैस के जो नियम है वो आज हम लोग पढ़ेंगे. बहुत छोटा सा टॉपिक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है. और मंडे से हम लोग पूरा अपना रिवीजन स्टार्ट कर देंगे. क्लियर? तो मंडे से फ्रेंड्स हम लोग क्या कर देंगे, 7 से 8 दिन में, मतलब 10-12 दिन में, अभी 1.5 महीना बाकी अपने पास. तो पहले जो हम लोगों ने पढ़ चुका हूं, जैसे ही आपने यूनिट एंड मेजरमेंट जो भी चीज है, सारी जो चीजें पढ़ रखी है हम लोगों ने, पहले उसका रिविजन कर लेंगे अलॉन्ग विद दी क्वेश्चन. और इसके बाद में फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद में इंजीनियरिंग आपके लिए मैं करवा दूंगा. ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक करवा दूंगा, कोई दिक्कत की बात आपको नहीं होगी. क्लियर दोस्तों, चले स्टार्ट करते हैं क्लास. आज बात करते हैं गैस से, हम लोग स्टार्ट करेंगे गैस के लॉ. गैस के लॉ समझने से पहले हम लोग पहले समझेंगे कि आइडियल गैस क्या होती है, क्योंकि जो भी गैस के नियम है वो आदर्श गैस के लिए ही सेटिस्फाइड रहते हैं, आइडियल गैस के लिए ही रहते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं फ्रेंड्स आइडियल गैस क्या रहती है. आइडियल गैस यानी आदर्श गैस क्या होती है, आदर्श गैस क्या रहती है. ठीक है, आइडियल गैस समझने के पहले दो तरह से हम लोग समझ सकते हैं इसको, कैसे, एक तो मैथमेटिकल मतलब गणित की भाषा में, और एक कैसे दोस्तों एक इसका फील लेते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, रियल में आइडियल गैस आदर्श गैस किसको बोलती है. तो फ्रेंड्स अगर मैथ्स की लैंग्वेज में देखें तो हमारे पास इक्वेशन होती है PV=NRT. आप सभी जानते हैं कि जो गैस इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे, इस समीकरण को संतुष्ट करे, वो गैस कौन सी होगी दोस्तों, आइडियल गैस होगी, कि PV=NRT. ठीक है, कि जो भी गैस, मान लीजिए ये पी क्या है, यहां पर पी क्या है फ्रेंड्स, यहां पर प्रेशर है यानी दाब है, वी क्या है फ्रेंड्स, वी वॉल्यूम है यानी आयतन है, एन क्या है फ्रेंड्स, नंबर ऑफ मोल है यानी मोल की संख्या है, नंबर ऑफ मोल्स. क्लियर, आर क्या है दोस्तों, गैस कांस्टेंट है. ठीक है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है. टी क्या है फ्रेंड्स, टेम्परेचर है. टी क्या है फ्रेंड्स, टेम्परेचर है यानी तापमान है. तापमान जो टेम्परेचर होता है इस इक्वेशन में किस में रखना है, केल्विन में रखना है, याद रखना केल्विन में. टेम्परेचर किस में फ्रेंड्स, केल्विन में. ये इस इक्वेशन में पी क्या है, प्रेशर, दाब, वी वॉल्यूम, आयतन सभी जानते हैं, एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, आर क्या है, गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, सार्वत्रिक गैस नियतांक, डी क्या है फ्रेंड्स, टेम्परेचर, और टेम्परेचर जो इक्वेशन उसमें किस में लेते हैं, केल्विन में. ये तो हमारी मैथमेटिकल मतलब हो गया कि अगर कोई भी गैस इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगी, इस समीकरण को संतुष्ट करेगी, तो वो आइडियल गैस होगी. बट एक्चुअल में मतलब क्या है फ्रेंड्स, यदि मैं आपसे पूछूं कोई भी एक रियल गैस है, वास्तविक गैस है, ठीक है, कोई भी एक गैस है फ्रेंड्स, यदि मैं बोलूं कि ये एक आदर्श गैस की तरह बिहेवियर कब करेगी, ये गैस एक आइडियल गैस की तरह कब बिहेवियर करेगी, आइडियल गैस की तरह, आइडियल गैस की तरह कब करेगी फ्रेंड्स, मुझे बताइए. चार ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं, चार ऑप्शन. पहला क्या है, लो टेम्परेचर, ठीक है, हाई प्रेशर, इसका मतलब दोस्तों निम्न तापमान और उच्च दाब पे, या फिर दूसरा ऑप्शन है फ्रेंड्स आपका हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर. क्लियर, तीसरा आपके पास फ्रेंड्स ऑप्शन है कि लो टेम्परेचर, लो प्रेशर, यानी इसका मतलब क्या है, निम्न तापमान, निम्न दाब पे. चौथा ऑप्शन आपको दे रखा है फ्रेंड्स आपको, जैसे मान लीजिए हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर. ठीक है, चार ऑप्शन आपको दे रखा है, हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर, लो प्रेशर, हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर. ठीक है,
तो बताइए दोस्तों इसमें से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन क्या है, कोई भी गैस, कोई भी रियल गैस, कोई भी वास्तविक गैस, आइडियल गैस यानी आदर्श गैस की तरह व्यवहार कब करेगी, बिहेवियर कब करेगी, चार ऑप्शन आपको दे रखा है, बताइए कौन सा होगा इसमें से, कौन सा रहेगा, कौन सा होगा, फिर हम लोग बात करेंगे कैसा आएगा, फिर उससे हम लोग समझेंगे दोस्तों आदर्श गैस का मतलब क्या होता है, रियल में आइडियल मतलब एक्चुअल में आइडियल गैस होता क्या है, उसका क्या होता है, क्या ये समीकरण को सेटिस्फाइड करना है एक आदर्श गैस है, नहीं, कुछ दूसरी चीजें भी है, इनके अलावा डी बोल रहे हैं हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, जिन्होंने गेट वाली क्लासेस ले रखी है उसमें भी आया था एक बार, तो हो सकता है आपने वहां पर पढ़ा हो, अगर आपने गेट या आईएएस की तैयारी कर रहे हो, तो अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए क्लास है ये, क्लियर। तो समझते हैं दोस्तों कैसे, फिर हम लोग बात करेंगे कैसे। देखिए आइडियल गैस का, जो आइडियल गैस रहती है, जो आदर्श गैस रहती है, उसका जो मतलब रहता है दोस्तों क्या रहता है, जो मतलब रहता है आइडियल गैस, पहले मैं लिख देता हूं इंग्लिश में, अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स इज जीरो, ठीक है। इसका मतलब यह है दोस्तों, क्या बोल रहा हूं, जो मॉलिक्यूल्स है किसी गैस के, किसी गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है, जो आकर्षक बल यदि जीरो है, ठीक है, यदि उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी अट्रैक्शन यदि नहीं हो, तो फ्रेंड्स वो जो गैस होगी, वो गैस को हम लोग क्या बोलेंगे, आइडियल गैस। इसको हिंदी में भी लिख देता हूं, अट्रैक्शन का मतलब दोस्तों क्या है, आकर्षण, ठीक है। यदि उस गैस के अणुओं के बीच में कोई भी आकर्षण नहीं है, कोई भी आकर्षण नहीं है, तो वो गैस दोस्तों क्या रहेगी, आइडियल गैस होगी। फॉर एग्जांपल दोस्तों समझते हैं, फॉर एग्जांपल आप जानते हैं दोस्तों, कोई दो पार्टिकल मान लीजिए, इसका द्रव्यमान m1 है, इसका द्रव्यमान दोस्तों m2 है, ठीक है, भूल जाइए गैस, आइडियल गैस सब भूल जाइए, इधर हम लोग बात करते हैं। ये समझिए फ्रेंड्स, आपके पास दो पार्टिकल है, एक का द्रव्यमान m1 है, एक का द्रव्यमान m2 है, एक का मास m1 है, एक का मास m2 है, और इन दोनों के बीच की जो दूरी है, जो डिस्टेंस है फ्रेंड्स, मान लीजिए इनके सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है फ्रेंड्स कितनी है, r है, क्लियर। यदि मैं पूछूं इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होगा, जो आकर्षक बल होगा दोस्तों कितना रहेगा, आपको पता है अट्रैक्शन जो फोर्स होता है वो क्या रहता है, जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। ये ग्रेविटेशन चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था, ये ग्रेविटेशन चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ रखा है, तो ध्यान से समझिए फ्रेंड्स, होगा क्या, आर क्या है इन दोनों के बीच के डिस्टेंस, हम लोगों ने क्या बोला कि आइडियल गैस क्या रहती है, कि उनके बीच में अट्रैक्शन नहीं रहना चाहिए, आकर्षक आकर्षण जो बल है वो दोस्तों नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड्स मुझे ये बताइए, अगर आर ज्यादा रहेगा, ठीक है, यदि आर ज्यादा रहेगा, आर ज्यादा रहेगा, यदि आर बड़ा रहेगा तो आर स्क्वायर और बड़ा रहेगा, जैसे मान लो आर अगर 10 है तो आर स्क्वायर तो 100 हो गया, क्लियर। तो सिमिलरली आर यदि 10 की पावर 3 है, 1000 है, तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10 की पावर 6। सिमिलरली यदि आर बहुत ज्यादा 10 की पावर 6 है, तो ये क्या हो जाएगा, 10 की पावर 12। तो जब आर बहुत ज्यादा होगा तो आर स्क्वायर दोस्तों क्या जगह और बड़ा हो जाएगा, और किसी संख्या में जब बहुत बड़ी संख्या का आप डिवाइड करोगे, किसी संख्या में अगर बहुत बड़ी संख्या से आप डिवाइड करोगे, इससे भाग करोगे, तो ये क्या जाएगा दोस्तों, जो एफ की वैल्यू आ जाएगी, जो अट्रैक्शन फोर्स आ जाएगा, जो आकर्षक बल आ जाएगा दोस्तों, ऑलमोस्ट जीरो के बराबर आ जाएगा, तब उस कंडीशन में आइडियल गैस की तरह ट्रीट करेगी। तो यही तो मैं बोल रहा हूं फ्रेंड्स, इधर क्या होगा, आपने मैंने बोला कि यदि आप टेम्परेचर बढ़ाओगे दोस्तों, यदि आपने गैस का तापमान बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाया, तापमान बढ़ाया, तो दोस्तों क्या रहेगा, कहीं ना कहीं जब आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो कहीं ना कहीं इसको हीट दे रहे हो, इसको एनर्जी दे रहे हो दोस्तों। जैसे ही आप इसको एनर्जी दे दोगे, इसको ऊर्जा दे दोगे, ये उधर उधर भागेंगे, ये उधर उधर भागेंगे, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है, जो दूरी है दोस्तों, बढ़ जाएगी, उसका स्क्वायर और ज्यादा बढ़ जाएगा, और दोस्तों जब ये बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो दोस्तों जो अट्रैक्शन फोर्स होगा ऑलमोस्ट जीरो के बराबर आएगा। तो इसका मतलब हाई टेम्परेचर पे गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी, ठीक है। टेम्परेचर का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट समझ में आया, प्रेशर का भी समझते हैं। प्रेशर का दोस्तों क्या है कि दो मॉलिक्यूल्स को लेकर आपने क्या कर दिया, एक बैलून में बंद कर दिया, मान लो ये बैलून लिया आपने, गुब्बारा लिया, इसमें आपने फ्रेंड्स क्या कर दिया, बंद कर दिया, इसमें क्या कर दिया, मान लो ये एम वन, ये एम टू, क्लियर, ये दोनों को आपने एक बैलून में, गुब्बारे में बंद कर दिया। फ्रेंड्स मुझे बताइए, आप ज्यादा प्रेशर लगाओगे, प्रेशर लगाओगे तो क्या आएगा दोस्तों, ये दोनों पार्टिकल्स, ये दोनों मॉलिक्यूल्स क्या आएंगे, पास पास में आएंगे, पास पास में आएंगे, पास इनके दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वही, इनके दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है मान लीजिए आर है, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कम होते रहेंगे, कम होते रहेंगे, कम होते रहेंगे, अगर आपने प्रेशर बढ़ाया, क्लियर। तो फ्रेंड्स ये तो प्रेशर बढ़ाओगे तो कम होगी, अट्रैक्शन फोर्स यानी आकर्षण बल जीरो करने के लिए हमको क्या चाहिए दोस्तों, ये आर की वैल्यू ज्यादा रहनी चाहिए। तो दोस्तों आर की वैल्यू ज्यादा कब रहेगी, जब प्रेशर कम रहेगा, क्योंकि जब प्रेशर कम रहोगे, प्रेशर कम रहेगा तो इनके बीच की जो दूरी रहेगी ज्यादा रहेगी, आर यदि ज्यादा रहेगा तो आर स्क्वायर और भी ज्यादा रहेगा, आर स्क्वायर ज्यादा रहेगा तो अट्रैक्शन फोर्स दोस्तों, जो आकर्षण बल है, किसके बराबर आएगा, जीरो के बराबर ऑलमोस्ट। तो एक आइडियल गैस
मतलब एक रियल गैस एक वास्तविक गैस आइडियल गैस की तरह कब ट्रीट करती है, हाई टेम्परेचर पे और दोस्तों लो प्रेशर पे। ठीक है, तो किसकी तरह करती है नोट डाल के लिख लीजिए, मैं लिखवा भी देता हूं। अ गैस विल बिहेव लाइक एन आइडियल गैस एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। ठीक है ना, इसको हिंदी में लिख देता हूं मैं, कोई गैस उच्च तापमान एवं निम्न दाब पर आदर्श गैस, आदर्श गैस की भांति व्यवहार करती है। ठीक है, थम्स अप कर दीजिए फ्रेंड्स, समझ में आया तो कैसे लो प्रेशर पे और हाई टेम्परेचर पे एक गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रही है। क्यों? क्योंकि इसका मतलब पता है, कोई भी आइडियल गैस का कोई भी आदर्श गैस का मतलब क्या है। तो हमको मतलब जब तक समझ में नहीं आता तो हम लोग ये बता नहीं पाते कि हाँ भाई लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर पे कर रही है। ठीक है, क्लियर दोस्तों, चले आगे। क्लियर, समझ में आया, थम्स अप करिए। और फ्रेंड देखो 1400 बच्चे देख रहे हैं केवल और केवल लाइव, 262 है, 261 आपका लाइक करने में क्या जाता है, एटलीस्ट लाइक तो करा करो जिससे हमको भी अच्छा लगे। ठीक है दोस्तों, चले आगे। तो ये तो आ गई बात आइडियल गैस की, अब हम लोग चलते हैं गैस के नियम पे। गैस के नियम में फ्रेंड्स पहला चलते हैं बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ यानी बॉयल का नियम। बॉयल का नियम दोस्तों क्या रहता है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। बॉयल का नियम क्या रहता है बताइए, बॉयल का नियम क्या रहता है बताइए। बताइए, जल्दी से बताइए फ्रेंड्स, बॉयल्स का नियम क्या रहता है। ठीक है, बॉयल का नियम हम लोग बात करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बॉयल का नियम क्या बोलता है फ्रेंड्स, कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे या फिर फ्रेंड्स हम लोग क्या बोल सकते हैं, नियत तापमान पे, तापमान यदि चेंज नहीं करे, नियत तापमान पर। ठीक है, जो प्रेशर रहता है, जो दाब रहता है फ्रेंड्स, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वी के वॉल्यूम के। इसका मतलब क्या है, पहले तो मैं मतलब समझाऊंगा फिर मैं समझाता हूं ये आया कहां से। देखिए फ्रेंड्स, यदि हम लोग कॉन्स्टेंट टेम्परेचर रखे, जैसे फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स ये गैस का हमने बोल दिया कि इसका इनिशियल प्रेशर, ठीक है ना, प्रारंभिक इसका जो दाब था मान लो कुछ भी, मान लो 1 पास्कल था। क्लियर दोस्तों, और इसका आपका जो प्रारंभिक आयतन था, इनिशियल वॉल्यूम था, मान लो कुछ भी, मान लो 1 सेंटीमीटर क्यूब था, कुछ भी मान लीजिए आप, है ना। हम लोगों ने फ्रेंड्स ऐसे बोला कि हम लोगों ने टेम्परेचर तो कांस्टेंट रखा, टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हुए दोस्तों आपने प्रेशर को बढ़ा दिया। प्रेशर मान लो जो फाइनल प्रेशर हुआ इस गैस का, किसी भी गैस का 2 पास्कल कर दिया मान लो, तो वॉल्यूम क्या होगा। तो फ्रेंड्स ये जो आपका बॉयल्स लॉ है ये यही बोलता है कि यदि कांस्टेंट टेम्परेचर रहे तो प्रेशर जो रहेगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम रहेगा। यदि वॉल्यूम आप बढ़ाओगे तो प्रेशर कम रहेगा, यदि वॉल्यूम कम हो गए तो प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, तो यही चीज मैं बोल रहा हूँ, यदि मान लो इनिशियल कंडीशन, प्रारंभिक जो आपकी कंडीशन दे रखी थी वो ये दे रखी थी कि इनिशियल प्रेशर 1 पास्कल है, इनिशियल वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब है, और फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स आपने फाइनल वॉल्यूम बढ़ा दिया, कितना कर दिया, 2 सेंटीमीटर क्यूब कर दिया, तो पूछा प्रेशर क्या रहेगा दोस्तों, प्रेशर क्या रहेगा, है ना। वो अभी हम लोग निकाल लेंगे कैसे, लेकिन सीधी सी बात है आपको दिख रहा है कि वॉल्यूम यदि बढ़ रहा है, वॉल्यूम यदि बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा दोस्तों, कम रहेगा। तो फाइनल प्रेशर दोस्तों क्या आएगा, 1 पास्कल से कम ही आएगा। बात करते हैं ये आया कैसे, इसका कर्व कैसे आएगा, उसकी हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, आप जानते हो जो आदर्श गैस होती है उसकी इक्वेशन क्या रहती है, उसकी इक्वेशन होती है पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। ठीक है, ये उसकी इक्वेशन रहती है, ये उसकी समीकरण रहती है।
फ्रेंड्स मुझे बताइए, कोई एक कंटेनर है, कोई एक डब्बा है, ठीक है, उसके अंदर गैस रखी है, तो जो गैस का जो मास है दोस्तों, जो द्रव्यमान है, वो तो कांस्टेंट रहेगा ना। आप कुछ भी कर लो, आप चाहे इसको दबा लो, कंटेनर को दबा लो, इसका वॉल्यूम कम कर लो, इसको कंटेनर को ऐसे एक्सपेंड कर लो, इसका वॉल्यूम बढ़ा लो, इसके अंदर जो गैस रहेगी दोस्तों, उसका जो द्रव्यमान रहेगा, उसका मास तो रहेगा, क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा, मास भी कॉन्स्टेंट, मास कॉन्स्टेंट रहेगा तो उसके, यानी कहीं ना कहीं उसके नंबर ऑफ मोल्स, मोलों की संख्या भी दोस्तों क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट रहेगी। आपको इतनी बार पता है, नियत रहेगी, वो नहीं बदलेगी भाई। आपने डिब्बे का जितनी गैस है दोस्तों, उतनी ही तो रहेगी। ऐसे थोड़ी जैसे आप मान लीजिए आपके जो घर में एलपीजी सिलेंडर आता है, 15 किलो का आता है वो, अगर वो आपने उस सिलेंडर की जगह किसी और कंटेनर में भर दी, तो गैस की जो मास है, जो गैस का द्रव्यमान है, 20 किलो हो जाएगा, 25 किलो हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है ना दोस्तों। हाँ, अगर आपने दूसरे डब्बे में, बड़े वाले में रखा, उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, आयतन बढ़ जाएगा, लेकिन उसका मास तो दोस्तों कॉन्स्टेंट ही रहेगा ना। यही कारण है जो आपके घरों में जो एलपीजी सिलेंडर आते हैं तो उसमें हमेशा किलो में आती है, हमेशा दोस्तों किस में आती है, किलो में आती है ना, 15 किलो 14 किलो 16 किलो। तो फ्रेंड्स उसका कारण क्या है, क्योंकि गैस का कोई आयतन नहीं होता, गैस कभी भी ऐसे नहीं आ सकती 2 लीटर में आ गई, 3 लीटर में। कारण क्या है दोस्तों कि गैस का कोई भी आयतन नहीं होता। गैस तो यदि आप इस कमरे में छोड़ोगे तो पूरे कमरे का आयतन घेर लेगी, पूरे जो रूम का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगी। ये यदि फ्रेंड्स आपने एक डब्बे में बंद करा तो उस डब्बे में सिमट के रह जाएगी। तो गैस कभी भी वॉल्यूम से नहीं आती, हमेशा किससे आती है दोस्तों, मास से। ये हम लोग थोड़ा आउट ऑफ फील्ड चले गए, चलो इस पे आते हैं वापस, देखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें गैस फिल करी हुई है। अब ये मैं बोल रहा हूं कि जो पूरी गैस में क्या रहेगा दोस्तों, ये एन तो क्या रहेगा दोस्तों, कॉन्स्टेंट रहेगा, ये तो नियत रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स। ये आर भी क्या है दोस्तों, कॉन्स्टेंट है, गैस एक कॉन्स्टेंट है, कितनी होती है वैल्यू, 8.314 किलो जूल पर किलो मोल केल्विन। ये यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट है, नियतांक है दोस्तों। जैसा कि जी आया था आपका ग्रेविटेशनल फोर्स में, कितना आया था वो आपका, 6.67 × 10⁻¹⁷ आया था ना, जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक हम लोगों ने बोला था। सिमिलरली दोस्तों ये भी कॉन्स्टेंट रहेगा, ठीक है। अब फ्रेंड्स आपने क्या बोल दिया कि यदि तापमान हम लोग कॉन्स्टेंट टेम्परेचर रखें, तो इसको भी फ्रेंड्स यदि कॉन्स्टेंट रख रहे हो तो आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, पी इंटू वी क्या रहेगा दोस्तों, कॉन्स्टेंट रहेगा। इसका मतलब दोस्तों गैस में आप कुछ भी करो, अगर तापमान कॉन्स्टेंट रहेगा तो प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है, जो दाब और आयतन का जो गुणनफल है, वो हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा। इसका मतलब दोस्तों P1V1 = P2V2, इन दोनों का फाइनल कंडीशन दोस्तों, फाइनल चीज मान लो सेकंड स्टेज पे पहुंच गए, तो वहां पर भी प्रेशर और आयतन का, यानी दाब का और आयतन का जो प्रोडक्ट है वो सेम रहेगा, यहां पर भी रहेगा, तो P1V1 = P2V2, ऐसी कंडीशन आती है। क्लियर, बात करते हैं इस पे, मैं अभी वापस आता हूं। ये तो लिखी दिया P1V1 = P2V2, और इसी यहां से दिख रहा है आपको P = दोस्तों क्या आ गया, C/V, ठीक है। यानी V बढ़ाओगे तो प्रेशर कम रहेगा, V कम करोगे तो प्रेशर बढ़ेगा, साफ दिख रहा है। इसलिए यहां से आता है प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। फ्रेंड्स यदि हम लोग ग्राफ बनाए, किस में, दाब में और आयतन में, यदि ग्राफ बनाए दोस्तों कैसे बनेगा, ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है, ठीक है। ग्राफ कैसे बनेगा दोस्तों मुझे बताइए, यदि वॉल्यूम कम रहेगा तो प्रेशर क्या रहेगा, यदि वॉल्यूम कम रहेगा, आयतन कम रहेगा तो प्रेशर क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। तो वॉल्यूम कम रहेगा तो प्रेशर ज्यादा, वॉल्यूम थोड़ा बड़ा तो प्रेशर थोड़ा कम हुआ, वॉल्यूम और बढ़ा तो प्रेशर और कम हुआ, वॉल्यूम और बढ़ा तो प्रेशर और कम हुआ। यदि जब वॉल्यूम कम है, वॉल्यूम जब कम है प्रेशर ज्यादा रहेगा, तो कुछ ऐसे, फिर वॉल्यूम बढ़ा प्रेशर और कम हुआ, वॉल्यूम और बढ़ा, इसको ग्राफ को थोड़ा सा रुकिए, हाँ, वॉल्यूम कम था प्रेशर ज्यादा था, फिर वॉल्यूम बढ़ा प्रेशर कम हुआ, कम हुआ, कम हुआ, कम हुआ, कुछ ऐसा कर्व आएगा। बताइए ऐसा कर्व आएगा नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हो गए हमारे बात किसकी, वॉल्स लॉ की, चले आगे। हाँ, और एक कर्व कौन सा आता है दोस्तों, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आता है। जैसे आप जैसे एक्स वाई पे करते हो, जब एक्स वाई जिकस टू कॉन्स्टेंट, ये किसका होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के तो होता ही है। क्लियर, चले आगे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड, चार्ल्स लॉ। चार्ल्स का नियम देखो, चार्ल्स लॉ क्या बोलता है कि यदि प्रेशर कांस्टेंट हो, कांस्टेंट प्रेशर हो, कॉन्स्टेंट प्रेशर पर, ये क्या बोलता है दोस्तों, कॉन्स्टेंट प्रेशर पे, वही इक्वेशन आप जानते हो आदर्श गैस की क्या रहता है, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी,
सेम चीज है दोस्तों, नंबर ऑफ मोल्स क्या रहेंगे गैस के, कॉन्स्टेंट रहेंगे, ये कॉन्स्टेंट रहेगा। फ्रेंड्स इस बार क्या बोला इसने कि यदि हम लोग प्रेशर कॉन्स्टेंट रखें, दोस्तों प्रेशर यदि कॉन्स्टेंट रखें तो आपको कहीं ना कहीं दोस्तों, जैसे मान लो तो यहाँ से आपको क्या आ गया V, इसको ऐसे लिख लो, देखो पी वी जिगस टू एन आर टी, तो V को आप लोग क्या लिख सकते हो, एन आर टी अपॉन पी लिख सकते हो। तो फ्रेंड्स यही चीज़ है कि यदि आप प्रेशर भी कॉन्स्टेंट रख दिया, ये पहले से कॉन्स्टेंट है, नियत है, ये भी कॉन्स्टेंट है, तो फ्रेंड्स वी किसके आ गया, वी इज इक्वल टू सी टी, यानी वॉल्यूम जो आयतन है दोस्तों तापमान के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वॉल्यूम है दोस्तों तापमान के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो वॉल्यूम है फ्रेंड्स तापमान के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी जो वॉल्यूम है जो आयतन है तापमान के अनुक्रमानुपाती है। इसका मतलब दोस्तों क्या है कि जैसे जैसे तापमान बढ़ता रहेगा वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और ये ऑब्वियसली बात है, हम लोग जब किसी को चीज को एक्सपेंड हीट देते हैं तो वो एक्सपेंड होती है, उसका वॉल्यूम बढ़ता है, तो यदि आप तापमान बढ़ाओगे तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। क्लियर? तो इसकी जो कंडीशन आ जाएगी दोस्तों क्या आ जाएगी कि V by T क्या रहेगा दोस्तों, हमेशा कांस्टेंट रहेगा, कि जो आयतन और तापमान का जो दोस्तों V by T का V by T वाली वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो फॉर एग्जांपल दोस्तों कि यदि मैं बोलूं एक गैस है, ठीक है, एक गैस की पहले वॉल्यूम था मान लो 1 cm³ था, ठीक है, टेम्परेचर मान लो फ्रेंड्स कितना था, 30°C था। मैंने आपको बोला कॉन्स्टेंट प्रेशर पे दोस्तों, कॉन्स्टेंट प्रेशर पे आपने इसका वॉल्यूम बढ़ा के कितना कर दिया, 2 cm³ कर दिया, ठीक है। तो फ्रेंड्स यदि मैं पूछूं टेम्परेचर कितना रहेगा फाइनल, तो टेम्परेचर के लिए आप लोग क्या करोगे, सिंपल सी बात है, V by T कांस्टेंट रहेगा हमेशा, V1 upon T1 is equals to V2 upon T2, ये चीज हम लोग लगा देंगे। लेकिन गलती इसमें होने के सबसे बड़े चांस क्या है दोस्तों, सबसे बड़े चांस क्या है कि जो आपका टेम्परेचर है कभी भी डिग्री सेंटीग्रेड में नहीं लेना, कभी भी, हमेशा किस में लेना है, केल्विन में लेना है। भैया जो इक्वेशन है ना, मैंने आपको पहले ही बताया था इस क्लास की स्टार्टिंग में कि टेम्परेचर हमेशा किस में लेना दोस्तों, केल्विन में लेना है। केल्विन में कैसे बदल सकते हैं, 273 उसमें ऐड करके, ठीक है दोस्तों, क्लियर। चलो बात करते हैं इसका ग्राफ कैसे आएगा, इसका ग्राफ कैसे रहेगा। तो यदि मैं आयतन और तापमान का मैं ग्राफ खींचूं, ठीक है, एक एक्सिस पे फ्रेंड्स यदि मैं, एक एक्सिस पे फ्रेंड्स यदि मैं वॉल्यूम लूं, एक पे फ्रेंड्स यदि मैं टेम्परेचर लूं, तो इसका ग्राफ कैसे आएगा, आपको पता है दोस्तों लीनियरली वेरी करेगा ये, ठीक है ना, वॉल्यूम तापमान के बिल्कुल लीनियरली वेरी करेगा रैखिक तरह से, जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा वैसे वैसे वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये ऐसा कर्व आपका आएगा, बिल्कुल ऐसा, ठीक है, ऐसा कर्व आपका आएगा, कैसा, लीनियर आएगा, रैखिक, ठीक है। स्विच करवा देता हूं, एक बार देख लो आराम से और लिख लीजिए इसको, फिर हम लोग आगे चलते हैं। इंजन ड्राइंग पढ़ाऊंगा लेकिन पहले एक बार हम लोग पूरा रिवीजन करेंगे फ्रेंड्स, समझ आ रहा है, पहले जितना मैंने पढ़ा रखा है उसका तो मैं रिवीजन करवाऊं फ्रेंड्स, फिर क्या मतलब, जैसे मैंने जो पढ़ा दिया आपसे वो ही नहीं बन रहे, तो फिर क्या क्या मतलब है उसका, ठीक है, समझ पा रहे हो। तो यही चीज मैं बोल रहा हूँ आपको, मैं पूरी चीज करा दूंगा, इंजन ड्राइंग भी करवा दूंगा, लेकिन पहले हम लोग मंडे से जो चैप्टर हम लोगों ने पढ़ रखे हैं पहले हम लोग उसका क्या कर लेंगे दोस्तों, रिवीजन कर लेंगे पूरा अलोंग विद द क्वेश्चंस के साथ में, और उसके बाद में हम लोग बच्चे हुए टाइम में लास्ट में इंजन ड्राइंग आपको पढ़ा दूंगा, क्लियर। चले आगे, लिख लिया, आर का वैल्यू फिर से बताइए, बताता हूँ, 8.314 होता है, ठीक है, 8.314, इसको छोड़ो, ये याद करने की जरूरत नहीं है ना, चले आगे, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स गैलुसेक लॉ, गैलुसेक का नियम, गैलुसेक लॉ, गैलुसेक लॉ क्या बोलता है दोस्तों कि यदि कांस्टेंट वॉल्यूम पर, कांस्टेंट वॉल्यूम पर, ठीक है, ये बोल रहा है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, अब आपको पूरे खुद ही बना दोगे आप कि पी वी जी का शुरू दोस्तों, आप जानते हो एनआरटी, ठीक है, आप क्या फ्रेंड्स, आप क्या जानते हो, यहाँ से आप लोग क्या लिख सकते हो कि पी अपॉन टी इज इक्वल टू एन आर अपॉन वी लिख सकते हो फ्रेंड्स, आपको फ्रेंड्स ये पता ही है कि ये क्या रहेगा, ये कॉन्स्टेंट रहेगा, ये कॉन्स्टेंट रहेगा,
वॉल्यूम भी आपने इस बार कांस्टेंट कर दिया, तो ये बोल रहा है कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे कि जो प्रेशर अपॉन टेम्परेचर, इसका दोस्तों जो ये क्वांटिटी रहेगी, ये जो राशि रहेगी पी अपॉन टी, ये कांस्टेंट रहेगा दोस्तों। पी अपॉन टी फ्रेंड्स क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब दोस्तों क्या है? प्रेशर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, कि यदि टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा, ठीक है। किसके लिए? कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे। इक्वेशन क्या रहती है? पी वी जी का शो एम आर टी, टी आपने इधर भेजा तो यहाँ से क्या होगा? एन आर अपॉन वी। नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रहेंगे, आर एक गैस कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट रहेगा। और यदि इस बार आपने वॉल्यूम भी कांस्टेंट रखा दोस्तों, तो ये पूरी टर्म क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। तो पी बाय टी क्या रहेगा दोस्तों? कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब पी वन बाय टी वन इज इक्वल टू पी टू अपॉन टी टू, ठीक है। पी वन अपॉन टी वन इज इक्वल टू पी टू अपॉन टी टू, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है दोस्तों। चलिए अब बात समझते हैं कैसे। आपका गैलुसेक का नियम हो गया, आपको बस ये याद रखना कौन से किस, जैसे मान लीजिए अभी हम लोगों ने बात करी गैलुसेक का नियम, ये किस पे? कांस्टेंट वॉल्यूम पे। तो आपको कांस्टेंट वॉल्यूम पता है तो आप अपने हिसाब से बना लोगे कि कैसे कैसे इसकी इक्वेशन रहेगी, क्लियर। तो ये आपका गैस के लॉ थे, अभी क्वेश्चन भी करेंगे। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में एक बार एटमोस्फेरिक प्रेशर हम लोगों ने पढ़ा था, एटमोस्फेरिक प्रेशर यानी वायुमंडलीय दाब पढ़ा था, कितनी होती है वैल्यू जल्दी से बताइए, फिर हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं फिर क्वेश्चन करेंगे इसके। देखिए फ्रेंड्स, आपको पता है इसकी वैल्यू क्या रहती है? 101.3 किलो पास्कल, ठीक है। इतनी रहती है? नहीं रहती है, 101.3 किलो पास्कल। फ्रेंड्स इसको आपने और बोला था, बताइए क्या बोला था? 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम बोला था, नहीं बोला था? या 760 mm बोला था, नहीं बोला था? बहुत बढ़िया, तो आपने एक चीज और बोली थी फ्रेंड्स, 76 mm ऑफ मरकरी, या फिर फ्रेंड्स आप लोग क्या बोल सकते हैं, 760 सेंटीमीटर, या फिर आप बोल सकते हैं 760 mm। तो फ्रेंड्स कैसे आई थी? मैंने आपको बताया था होता क्या है कि जैसे मान लीजिए ये आपका एक ग्लास ट्यूब रहती है फ्रेंड्स, ठीक है, ये नीचे से बंद है, ये आपकी ग्लास ट्यूब है फ्रेंड्स, क्लियर। तो इसमें दोस्तों अब ये पूरा था, मैंने आपको फ्लूइड मैकेनिक्स अगर किसी ने पढ़ी तो वहां पर मैंने बता रखा, लेकिन आपको कुछ भी नहीं है, बस मैं बता रहा हूँ, और आपको शायद मैंने बताया भी था, मेरे को याद हो तो, कि इसकी जो हाइट हो जाती है दोस्तों वो हो जाती है 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। तो निकालते कैसे दोस्तों? एटमोस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? 101.3 × 10³, इतना पास्कल आ गया। इसको किसके बराबर कर दो दोस्तों? इस फ्लूइड के, ये जो मरकरी भरा हुआ है इसके प्रेशर के बराबर। और प्रेशर क्या होता है इसका? रो जी एच, मैंने बताया था रो जी एच, तो यहां से एच आ जाएगा 76। कैसे? क्योंकि जो मरकरी की डेंसिटी रहती है दोस्तों कितनी रहती है? 13600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो अब बोलेंगे ये बताने का मतलब क्या हुआ दोस्तों? बताने का मतलब ये रहा, मैंने ये क्यों बताया ये, क्योंकि मान लीजिए आपको यदि क्वेश्चन में दे कि भाई एक, जैसे मान लो कि मरकरी कॉलम की हाइट है ना, मरकरी कॉलम की दोस्तों हाइट दे रखी है मान लीजिए 80 सेंटीमीटर, मान लीजिए 80 सेंटीमीटर है ना, और आपसे पूछे दोस्तों कि वायुमंडलीय दाब बताओ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बताओ, तो आप सीधा कहीं 101.3 नहीं कर दे, ठीक है। इसका कैसे करेंगे? प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच, क्योंकि दोस्तों जरूरी थोड़ी है कि 76 सेंटीमीटर ही होगा, वो तो हम लोग स्टैंडर्ड मानते हैं, हर जगह एटमॉस्फेरिक प्रेशर अलग अलग रहता है भाई, दिल्ली में अलग रहेगा, कहीं मतलब मान लीजिए मलेशिया में अलग रहेगा, तो हर जगह अलग अलग रहता है, वो हम लोग ने स्टैंडर्ड मान रखा है। तो मरकरी कॉलम से हम लोग देखते हैं कि इसकी हाइट कितनी आ रही है, वहां का हम, वहां से हमको एटमॉस्फेरिक प्रेशर पता पड़ जाता है। तो 80 का निकाले तो कैसा होगा? रो मरकरी की कितनी रहती है? 13600। जी की वैल्यू दोस्तों कितनी रहती है? 9.8। एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 80 सेंटीमीटर, इसको मीटर में लिखना है, 80/100। तो ऐसा आपके पास प्रेशर आ जाएगा, ये किस में आ जाएगा? पास्कल में। समझ पा रहे हैं आप फ्रेंड्स? क्लियर। तो कुछ ऐसी चीजें आपको याद रखनी है, इसलिए मैंने आपको बताया, गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो हाइट ऐसे नहीं हर जगह 76 रख दो, वो हम लोगों ने स्टैंडर्ड मान रखा है कि 101.3 किलो पास्कल, बाकी हर जगह आपको पता है वेरी करता है प्लेस टू प्लेस वो, क्लियर। जैसा ये क्वेश्चन था मैं आपको बता रहा था, ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, जैसा कि ये क्वेश्चन मैं बता रहा था आपको,
ये क्वेश्चन मैं आपको बता रहा था कि एक साधारण बैरोमीटर में पारे की ऊंचाई 80 सेंटीमीटर है, तो वायुमंडलीय दबाव ज्ञात करो। ठीक है, समझ गए इस क्वेश्चन की मैं आपको बात कर रहा था। तो दूसरा क्वेश्चन भी दिखाता हूं मैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आपकी स्क्रीन पर, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको जो भी आपको एटमोसफेयर प्रेशर का बताया इसलिए बताया। चलिए क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड्स, आपको जल्दी से क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि गैस का आयतन दे रखा है 720 मिलीमीटर दबाव पर। 720 मिलीमीटर का मतलब क्या दोस्तों, ये मरकरी का दे रखा है, पर 418 क्यूबिक सेंटीमीटर है। स्थिर तापमान पर उसका दबाव 380 क्यूबिक सेंटीमीटर पर ज्ञात करो। पहले तो मुझे बताओ कि जो कॉन्स्टेंट टेम्परेचर के लिए कौन सा लो लगता है, पहले तो मुझे बताइए कॉन्स्टेंट टेम्परेचर के लिए कौन सा लो लगता है, जल्दी से बताइए, बताइए दोस्तों क्या कौन सा लगता है, जल्दी से बताइए। बॉयल्स लो लगता है, कौन सा लगता है जल्दी से बताइए। 1360 कैसे लिया, 1360 ने लिया, 13600 लिया, और फ्रेंड्स ये क्या होता है, डेंसिटी होती है मरकरी की। ठीक है, पहले तो मुझे बताइए कॉन्स्टेंट टेम्परेचर दे रखा है तो कौन सा लो लगा है, कौन सा लो लगाए हम लोग, बॉयल्स लो। ठीक है, बॉयल्स लो की दोस्तों इक्वेशन क्या रहती है, बॉयल्स लो की इक्वेशन क्या रहती है मुझे बताइए, बॉयल्स लो की इक्वेशन क्या रहती है आपको फ्रेंड्स पता है, बॉयल्स लो क्या बोलता है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। अब आपको कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं, ध्यान से समझो, P1 कितना दे रखा है दोस्तों आपको, P1 दे रखा है 720, V1 कितना दे रखा है 418, और आपसे क्या पूछ रहा है, तापमान कॉन्स्टेंट रख रहे हैं तो उसका दबाव बताना है, V2 कितना हो गया दोस्तों 380, और बताना है आपको P2 बताना है। ठीक है, P2 भी किसमें बताना है दोस्तों, मिलीमीटर में बताना है। अब देखिए इधर देखो, ध्यान से समझो, ध्यान से, एक इंपॉर्टेंट चीज और कुछ भी नहीं इसमें, और कुछ भी नहीं दोस्तों, मैं ये बता रहा हूं आपको, आप लोगों में आप सोचेंगे यार मैं रोजी एच में करूं, ये कुछ भी नहीं करना आपको, कुछ भी नहीं करना, ध्यान से समझो। आपसे एग्जाम में क्या आएगा, गैस का आयतन दे रखा है, ठीक है, V1 दे रखा है, कितना दे रखा है दोस्तों 400, V1 कितना दे रखा है आपको 418 क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर क्यूब आपको दे रखा है। P1 कितना दे रखा है दोस्तों 720 mm दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर। V2 दे रखा है 380 सेंटीमीटर क्यूब। आपसे दोस्तों P2 पूछा है, P2 किसमें बताना है आपको, mm में बताना है। P2 किसमें बताना है दोस्तों आपको, mm में बताना है। तो फ्रेंड्स पता है आपको कॉन्स्टेंट टेम्परेचर रहे तो आपको कौन सा लो लगाना, बॉयल्स लो। बॉयल का नियम क्या बोलता है, P1 V1 = P2 V2। कैसे लगाना दोस्तों, P1 दे रखा है 700, देखो जो यूनिट जो मात्रक आप इधर रख रहे हो वही मात्रक आपको इधर रखना है और कुछ भी नहीं करना। P1 दोस्तों काय में रख रहे हो आप, mm में रख रहे हो तो 720, V1 किस में रख रहे हो, सेंटीमीटर क्यूब में, तो 418। इस जगह भी जो वॉल्यूम है जो आयतन इसी में रखना है। V2 कितना दे रखा है दोस्तों आपको 380, और P2 आपसे पूछा है, P2 यह हो गया, और V2 की वैल्यू फ्रेंड्स कितनी है आपकी, 380 दे रखी है, 380 बस, P2 निकाल लो, इतनी सी चीज है, एक लाइन का भी नहीं है। ठीक है, 720 × 418 / 380, जो भी इसका आंसर आएगा वो आंसर आ जाएगा, क्लियर, समझ गए बात को। हाँ, जो भी आएगा 700, किसी का 792 आ रहा है, किसी का जो भी आ रहा है, 720 कैसे आएगा भाई, ये 418 है, 380 है भाई, 418 / 380 अपन को पता है एक से ज्यादा ही रहेगा भाई, 418 / 380 एक से ज्यादा ही रहेगा, और 720 किसी एक ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई होगा जो एक से बड़ी है, तो 720 से ज्यादा ही तो आएगा, क्लियर। 720 कैसे आ सकता है, हाँ 792 में आ जाएगा, बहुत बढ़िया, क्लियर। तो बस ये लगाना है आपको, बस देखना है दोस्तों कौन सा दे रखा है, स्थिर तापमान दे रखा है, स्थिर तापमान दे रखा है, उस हिसाब से आप लगा दो दोस्तों। यदि आपको नहीं दे रखा है दोस्तों, अब क्या करें, ये अब हमको कुछ भी नहीं दे रखा फिर क्या करें। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों ध्यान से समझो, क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं बोल रहा हूं जैसे मान लो आपको दे दे कि प्रेशर इतना है, P1 V1 इतना है, कुछ भी मान लो, 2 पास्कल 3 पास्कल V1 भी दे दे, P2 V2 की वैल्यू भी दे दे दोस्तों, क्लियर। ठीक है, P1 V1 दे दे, P2 दे दे, और मान लो V2 की वैल्यू नहीं दे, क्लियर, कि एक गैस है उसका प्रारंभिक दाब इतना है, प्रारंभिक आयतन इतना है, उसका अंतिम दाबमान बताइए कितना होगा, या कुछ ऐसा हम लोगों को बताना है। तो फ्रेंड्स यदि हम लोगों को डाटा से दिख रहा है कि प्रेशर तो चेंज हो रहा है, वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, तो लेकिन हमको ये नहीं दे रखा है कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, तो हम लोग क्या करेंगे, हम खुद ही अपना कॉन्स्टेंट टेम्परेचर मान लेंगे और बॉयल्स लो लगा देंगे, क्योंकि इसके अलावा कुछ ऑप्शन ही नहीं बचेगा, समझ पा रहे हो आपको। वैसे तो सीधा सीधा दिया होता है कॉन्स्टेंट टेम्परेचर कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, बट नहीं भी दे तो आपको क्या करना है, आपको पता है जो डाटा चेंज हो रहा है वो तो हो रहा है, जो चेंज नहीं हो रहा जैसे उसको कॉन्स्टेंट मान के वॉल इक्वेशन लगा दो। जैसे अगर कॉन्स्टेंट वॉल्यूम है तो गैलुसेक लॉ लगा दो, यदि कॉन्स्टेंट
टेम्परेचर है तो बॉयल स्लो लगा दो, समझ पा रहे हो आप, यदि कॉन्स्टेंट प्रेशर है तो चाल स्लो लगा दो। इतनी सी हमारी बात थी और बस इतना ही पार्ट है इस क्वेश्चन, ज्यादा इसमें से पूछेगा भी नहीं, तो ये चीजें मैंने आपको बता दी। मंडे से हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, रिवीजन करना स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बढ़िया फर्स्ट क्लास सभी चीजों का और अलोंग विद द क्वेश्चंस के साथ में। उसके बाद में 15 दिन निकल जाए, मतलब 15 दिन बाद में, 15 दिन तो लगेंगे नहीं, उससे कम में अपना सिलेबस हो जाएगा और फिर अपने पास बाकी का पूरा टाइम रहेगा। क्या करेंगे हम लोग, इंजन ड्राइंग करके हम लोग टाटा बाय बाय कर लेंगे, इंजन ड्राइंग ऑक्यूपेशनल सेफ्टी कर करके। क्लियर? अरे इंजन ड्राइंग करवा दूंगा मैं अब यार, ऐसे थोड़ी मैं आपको इंजन ड्राइंग संडे करवा रखी है भाई, जो चीज मैंने पार्ट पढ़ाया मैं उस पहले वो करवाऊंगा ना, मैं आपको मना थोड़ी कर रहा हूं। अब देखो मेरी मेहनत मेरी डबल लगेगी, मैं आपको इंजन ड्राइंग करवा दूंगा ये, लेकिन मैं करवाने को राजी हो गया ना, लेकिन पहले जो मैंने करवा रखा उसका तो मैं रिविजन करवा दूं, एक टेंशन तो दिमाग से हटे, कहां पता बड़े इंजन ड्राइंग भी करवा रहा हूं, फिर मेरे को याद आया यार मेरे को उनका भी रिविजन करवाना है, तो इंजन ड्राइंग भी फिर ऐसे हो जाए और ये भी ऐसे हो जाए, बात समझ लो। तो पहले वो करेंगे, टेंशन मतलब करवा दूंगा इंजन ड्राइंग। अब मैं आपको क्या बोलूं, आपको थोड़ा तो आपको टेस्ट रखना ही पड़ेगा आपको, ठीक है, पूरे ऐसे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट करा दूंगा, आपके क्वेश्चन नहीं अटकेंगे, आपको पूरा इंग्लिश हिंदी दोनों में कराऊंगा, टेंशन मतलब आपको। क्लियर? तो आज के लिए इतना काफी है और दिनेश सर आपके लिए संडे को 11 बजे नई क्लासेज का अनाउंसमेंट लेके आएंगे, जिसमें आपको और भी नई क्लासेज देखने को मिलेगी, पूरा नया टाइम टेबल, तो वो संडे को आप 11 बजे जरूर लाइव आइए, दिनेश सर आपको सभी क्लासेज के बारे में बताएंगे। और फ्रेंड्स आपको पता है रेलवे बूस्टर जैसे एक टेस्ट सीरीज है, जिसमें आपको सारे सॉल्यूशन क्या मिलेंगे, वीडियो सॉल्यूशन मिलेंगे, तो आप वो रेलवे बूस्टर आप परचेज कर सकते हैं फ्रेंड्स आपको, क्योंकि देखिए पढ़ा तो इधर रहे हैं, पूरा सभी पढ़ा तो इधर रहे हैं, वहां हम लोग पढ़ाएंगे नहीं, टेस्ट सीरीज तो है ही फ्रेंड्स आपका। यहां पर देखो मैंने आपको पूरा बेसिक सा इंजीनियरिंग करवा दिया, इंजीनियरिंग इसका पूरा डिवीजन मैं इधर करवा दूंगा, इंजीनियरिंग ड्राइंग भी कराऊंगा आपको इसके बाद में। यहां पर दोस्तों आपको क्या मिलेगी, पूरी टेस्ट सीरीज मिलेगी, आपको देखना सेल्फ एनालिसिस करना कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता, और साथ में दोस्तों उसका पूरा वीडियो सॉल्यूशन करेंगे, पूरा वीडियो सॉल्यूशन एक एक क्वेश्चन का। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल यदि मैं बोलूं आपको कि जैसे 1.2 न्यूटन को सेंटी न्यूटन में चेंज करो, तो हम लोग आंसर तो बता देंगे लेकिन पीछे कॉन्सेप्ट बताएंगे कि सेंटी का क्या आता है, अगर इसको हटाना होता है तो 10^-2 लगाते हैं, अगर इसको लगाना है तो क्या करेंगे दोस्तों, इसको डिवाइड करेंगे। तो आप ऐसे ऐसे छोटी छोटी चीजें सीख जाएंगे, बाकी इधर तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं, लेकिन टेस्ट सीरीज का तो यार आपका अपना वो है, टेस्ट सीरीज तो आपको सेल्फ एनालिसिस जरूरी है ही। सिमिलरली पार्ट बी जिन्होंने फिजिक्स और मैथ्स पढ़ा है, क्लास हो रही है 3-4 बजे पूरा वहां पर पढ़ाया जा रहा है, बाकी टेस्ट के लिए आपको बूस्टर आप जानते हैं टेस्ट सीरीज कितनी जरूरी है, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो आज कितना काफी है, मिलेंगे हम लोग मंडे को, तो सैटरडे संडे आप बिल्कुल रिवीजन करिए अपनी क्लास का, मंडे से अपनी क्लास एज यूजुअल टाइम पे दोस्तों कंटिन्यू रहेगी, बाकी और संडे को 11 बजे लाइव आना ना भूले दोस्तों, ठीक है, बाय, टेक केयर।